हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक प्रैंक करने वाला जब वो शूट करता है तो चाहे वो कैमरा से कितना भी दूर क्यों ना चला जाए, उसकी साउंड क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या आपको पता है वो कैसे करते हैं सब? बिना किसी वायर कनेक्शन के, बिना किसी वाईफाई के, वो अपने फ़ोन को एज ए माइक कैसे यूज़ करता है, जानना चाहते हो क्यों? चलो व्लॉग को एंड तक देखो, खुद ही सीख जाओगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। सो जहां तक आज की व्लॉग की बात है, उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें शेयर करनी थी। तो ये जो बुक देख रहे हैं आपको, द लॉस्ट सिंबल, तो कुछ दिनों पहले इरफान जुनेजो ने काफी सारे बुक्स रिकमेंड करे थे, तो आपके भाई ने बिना सोचे समझे इस बुक को वहां से ऑर्डर कर दिया। तो अभी दिक्कत ये है कि कुछ समझ नहीं आ रहा इस बुक में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतनी टफ इंग्लिश यूज किया गया इसमें जो कि मेरे सोच के परे है, तो पैसे बर्बाद टाइप हो चुका है यहाँ पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी को फॉलो करते हो, फिर भी अपना रिसर्च ना थोड़ा कंटिन्यू रखना चाहिए, उसके बाद फैसले लेना चाहिए। देखो, मैं अगर पहले रिव्यू में पढ़ता कि इसकी इंग्लिश कैसी, वहां पे लिखा रहता है कि सिंपल है, कि थोड़ा टफ इंग्लिश यूज किया गया, तो ये मैं ऑर्डर नहीं होता। अब आ चुकी है, हम देखेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो जहां तक आज के व्लॉग की बात है, ये हमारा नया कमरा है, फिर से चेंज कर दिया हमने रूम, एंड अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा रूम मिला है, काफी अच्छा फ्लैट मिला है, फ्लैट। हाँ, तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। इसके लिए बाहर जाना पड़ेगा, बाहर दिखाते हैं। ओके, चलिए। हेलो जी, तो अब हम बताएंगे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को किस तरह से माइक यूज़ कर सकते हो, बिना किसी वायर कनेक्शन के, बिना किसी वाईफाई के। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो भाई, आपके पास सबसे पहले दो डिवाइस होने चाहिए जिसमें आप शूट करोगे, और एक डिवाइस को आपको अपने माइक के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगा, जैसे इस वीडियो में हो रहा है, उसी समय आपके फ़ोन में जो रिकॉर्डर है, फ़ोन रिकॉर्डर, हर एक फ़ोन में एक इनबिल्ट माइक ज़रूर होता है, तो अपने रिकॉर्डर को ऑन करके अपने फ़ोन को बिल्कुल अपने नज़दीक रखें ताकि आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर सुनाई दे। इसको बाद में एडिटिंग के समय आपको ओवरलैपिंग करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल माइक है, अगर आप उसको बिल्कुल अपने मुंह के करीब रखना चाहते हो, आपके पास लंबी वायर ना होने की वजह से आप उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस तरीके से इस चीज़ को अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास BOYM1 की माइक है, आप अब मेरे पास BOYM1 की एक एक्सटर्नल माइक है, इसकी वायर काफ़ी छोटी है, तो वॉइस को और थोड़ा बेहतरीन बनाने के लिए मैं इसी को अपने डिवाइस के साथ कनेक्ट करूँगा, जिससे मेरे बिल्कुल मुँह के नज़दीक रहेगा और जिस से मेरी वॉइस थोड़ी क्रिस्पी और बिल्कुल क्लियर सुनाई देगी। तो ये काफ़ी, आजकल मैं इसी तरीके से अपनी ऑडियो को इम्प्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि यार इसके लंबी तार नहीं आती, इसकी बिल्कुल छोटी वायर होती है, एंड देन बाकी सारा खेल आपके एडिट पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे आप रिकॉर्डिंग शुरू करोगे, आपको एक ज़ोर सा आवाज़ निकालना है, या तो आप क्लैप मार सकते हो, या तो आप अपने मुँह से निकाल सकते हो आवाज़, ठीक है? तो इससे एक बीट पकड़ लेती है आपके फ़ोन जिसमें आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो और जिसमें आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो रही, दोनों में एक नोट बन जाता है। बाद में एडिटिंग करने के समय आपको वो नोट दिख जाता है, आप वहीं से पकड़ के बाकी सारी चीज़ों को कट करने के बाद अलाइन करते हो, क्योंकि अगर आप एडिटिंग में फेल हो गए तो आपकी वीडियो में वो मज़ा नहीं रहेगा, आपकी वॉइस ओवर बिल्कुल ठीक नहीं होगी, आप पहले मुँह हिलाओगे एंड देन बाद में आपकी आवाज़ आएगी, तो इससे आपकी वीडियो और भी ख़राब हो सकती है। तो एडिटिंग के समय आपको ज़्यादा फोकस करना है। बाकी बहुत मस्त आइडिया है, आप इस जुगाड़ को अपने हर एक व्लॉगिंग में, हर एक व्लॉग में इस्तेमाल कर सकते हो। नाउ अब हम जाते हैं एडिटिंग स्किल्स पे, कि आप इसको कैसे एडिट करोगे, कैसे ओवरलैप करोगे एक दूसरे के ऊपर। चलिए जाते हैं और एडिटिंग में दिखाते हैं क्या करना है। तो हम अभी आ चुके हैं अपने फिल्मोरा सॉफ्टवेयर में, जिसमें हम एडिट करके आपको दिखाएंगे कैसे वॉइस ओवर करना है। तो ये हमारी ओरिजिनल वीडियो है, और उसी के साथ जो हमने मुंह के पास अपना मोबाइल रखे, अपना वॉइस रिकॉर्ड करें, दोनों चीज़ें यहाँ पे हैं, अब इनकी ओवरलैपिंग होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओरिजिनल वीडियो की जो वॉइस क्वालिटी है वो कैसी है।
क्या मैं वीडियो कैमरे से दूर जाने पे मेरी वॉइस कितनी कम हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है जब एक प्रैंक करने वाला जब वो शूट करता है तो चाहे वो कैमरा से कितना भी दूर क्यों ना चला जाए उसकी साउंड क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको पता है वो कैसे करते हैं सब बिना किसी वायर कनेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि मेरे दूर जाने पे बिल्कुल वॉइस डाउन हो चुकी है, मेरी आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है। तो अब हम जो हमने रिकॉर्डिंग करा है अपने फ़ोन में अपने वॉइस को अलग से, उसको इसकी जस्ट नीचे अलाइन करेंगे। मेक श्योर कि वो एकदम सही जगह से अलाइन होनी चाहिए ताकि आपकी वॉइस और काफ़ी अच्छी दिखे। तो उसके लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि कहाँ पे हमारी वॉइस मैच हो रही है। तो जैसे कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ से इनकी वॉइस दोनों की वॉइस मैच हो रही है, तो अपने अंदाजे से मैं उसको वहाँ पर सेट कर दूँगा। तो देखिए लगभग मैच हो चुकी है, अब हम देखेंगे क्या सच में मैच हो चुका है कि नहीं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक तो ये बिल्कुल सही अलाइन हो चुका है। तो और इसके बाद आप क्या करोगे, जो बाकी कुछ है जो पहले रह जाता है जो चीज़ें उन सबको आप डिलीट करोगे एंड देन दोनों बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका वॉइस ओवर कम्प्लीट हो जाएगा। और अगर आप चाहे तो आप ओरिजिनल वॉइस को बिल्कुल म्यूट भी कर सकते हो, वह आपकी मर्जी है। नाउ देखिए कि हमारी वॉइस कितनी बेटर हो चुकी है, हमारे दूर जाने पर भी हमारा वॉइस बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रहा है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक प्रैंक करने वाला जब वो शूट करता है तो चाहे वो कैमरा से कितना भी दूर क्यों ना चला जाए उसकी साउंड क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या आपको पता है वो कैसे करते हैं सब बिना किसी वायर कनेक्शन के बिना किसी वाईफाई के, वो अपने फोन को एज ए माइक कैसे यूज करते हैं। सो थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अवर डे, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस व्लॉग से। एंड आजकल मेरे एग्जाम्स मेरे सिर के ऊपर है, सो उतने एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, बहुत कम व्लॉग्स आएंगे और बट आएंगे, बस मेरी यूट्यूब की गलियों में चक्कर लगाते रहिए कभी भी वीडियोस आ सकते हैं। सो थैंक यू बर्पिंग पाड़ा बड़े, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई कट कैसा है, आई लव यू ऑल, थैंक यू बाय।